व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं अमित फिटनेस। तो देखिए गाइस, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है अपर बॉडी पुलअप्स। देखिए गाइस, ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है, ये कटिंग बेस्ड प्रोग्राम है। तो आइए गाइस, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो हम स्मूथ मशीन पर लगा रहे हैं, जो कि फ्लैट बेंच प्रेस है। तो देखिए गाइस, इसके जो हमारे सेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसमें हमारा जो पहला सेट है वो 14 रैप का है, एंड दूसरा है वो 30, और तीसरा है गाइज वो 20, और जो हमारा जो फोर्थ सेट है वो हमारा 10 रैप का है। देखिए गाइज, हम इसमें अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने वेट को इंक्रीज करेंगे, जिसमें हम अपनी रेपिटेशंस लगाएंगे। तो देखिए गाइज, ये हमारा दूसरा सेट है जिसमें मैं अपना वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। इसके हम 30 रैप लगाएंगे। तो ये देखिए गाइज, मेरा जो बैलेंस है वो अच्छी तरह से है। और देखिए गाइज, हम स्मूथ मशीन पर इस वर्कआउट को करेंगे ताकि हम कोई भी चीट ना कर पाएं, जिससे हमारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छी तरह से बना रहे। तो देखिए गाइज, ये हमारी चेस्ट की है जो दूसरी एक्सरसाइज है, जिसको हम बोलते हैं डंबल फ्लाई। देखिए गाइज, ये हमारे डिफरेंट सेट, जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उसके जो हमारे रैप रेंज है वो थोड़ी डिफरेंट है। देखिए गाइज, हम इस एक्सरसाइज के सिर्फ 20 रैप्स लगा रहे हैं, और इसके हम दो ही सेट लगाएंगे, और अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने वेट को इंक्रीज करेंगे। और इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आपने अच्छी तरह से लगाना है, जिससे हमारा जो माइंड मसल कनेक्शन अच्छी तरह से बना रहे, ताकि हम अपनी मसल्स को अच्छी तरह से स्ट्रेस कर सकें, और उसको अच्छी तरह से फील कर सकें। देखिए गाइस, जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो है बारबल शोल्डर प्रेसेस। इसके भी हम गाइस, जो हम रैप रेंज है वो हमारे वही रहेंगे 40 30 20 10, और इसके हम 4 सेट्स लगाएंगे, और अपने वेट के अकॉर्डिंग हम अपने वेट को इंक्रीज करेंगे। और ये गाइस, हम स्मूथ मशीन पर लगाएं, जिससे हमारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छी तरह से बना रहे हैं। देखिए गाइस, जो हमारी जो शोल्डर की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है साइड रेजेस, जिसके हम दो सेट्स लगा रहे हैं, जिसके जो हमारे रैप रेंज है वो 20 रहेगी, और इसके हम दो ही सेट्स लगाएंगे, और इसको हम अच्छी तरह से लगाएंगे, जिससे हम अपनी मसल्स को अच्छी तरह से फील कर सके। तो ये देखिए गाइस, जी हमारा साइड रेजेस का दूसरा सेट्स है, जिसके हम 20 रैप ही लगा रहे हैं। इसको गाइज आप अच्छी तरह से लगाएं, जिससे आप अपनी मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेस कर सकें, उसको महसूस कर सकें, उसको फील कर सकें। जब तक आप माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनाएं, अपनी मसल्स को फील नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए गाइज, ये हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो ट्राइसेप्स की है, बारबल स्किल प्रेसेस। देखिए गाइज, इसके जो हमारे रैप रेंज है वो 40 30 20 10 रहेंगे, और इसको आप फ्लैट बेंच पर लगाएंगे, और अपने वेट के अकॉर्डिंग वेट को इंक्रीज करेंगे, अपनी मसल्स को अच्छी तरह से फील करेंगे, जिससे आपकी जो ये कटिंग बेस प्रोग्राम है उसमें आप अच्छी तरह से फील कर सकें। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा स्कल प्रेसेस का दूसरा सेट्स है। जब भी हम अपनी कटिंग बेस प्रोग्राम लगाते हैं तो उसके बाद जो रैप रेंज है वो हाई होनी चाहिए। ये हमारी गाइस दूसरी एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स सेट डाउन। देखिए गाइस, आप मुझे देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर दूसरी तरफ इस एक्सरसाइज को लगा रहा हूँ, जिससे जो मेरा ट्राइसेप्स है वो अच्छी तरह से फील हो रहा है, अच्छी तरह से स्ट्रेस हो रहा है, जिससे मैं अपनी मसल्स को अच्छी तरह से फील कर पा रहा हूँ। और गाइस, इसके हम 20 रैप लगाएंगे, और इसके दो
सेट्स लगाएंगे अपने वेट के, अपने वेट के अकॉर्डिंग वेट को इंक्रीज करेंगे ताकि अपनी मसल्स को हम अच्छी तरह से फील कर पाए। तो देखिए गाइस, ये मेरा दूसरा सेट्स है जो कि लास्ट सेट्स है इस प्रोग्राम में। गाइस हम 6 एक्सरसाइज लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैं, और ये हमारी गाइस अपर बॉडी पुशअप्स वर्कआउट है। तो गाइस आप इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। जो मेरे भाई हैं जो अपनी बॉडी में कटिंग बनाना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज उन भाइयों के लिए है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट वर्कआउट में, जो कि हमारा होगा अपर बॉडी पुलअप्स, जिसमें हम बैक, बाइसेप्स एंड ट्रैप्स की एक्सरसाइज लगाएंगे। तो